बीपीएससी शिक्षक को लगा नई पत्नी का चस्का। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आप सभी से दूर किसी और शहर में हूं, लेकिन इस दूर शहर में एक दूर भरे रिश्ते की कहानी लेकर आप सभी के बीच आज के वीडियो में हम हाजिर हैं। दोस्तों, कहा गया है कि किसी भी पुरुष के सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ अवश्य होता है, और यही घटना आज एक बीपीएससी शिक्षक के साथ घटी है, जिसके सफलता के पीछे एक महिला का हाथ था। लेकिन सफलता मिलने के बाद बीपीएससी शिक्षक उस महिला को भूल जाते हैं और उस रिश्ते में दरार पैदा करते हुए एक नए रिश्ते यानी एक नई पत्नी बनाने की ओर अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि यह बीपीएससी शिक्षक की कहानी हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना और सच्ची कहानी, बीपीएससी शिक्षक को लगा नई पत्नी का चस्का। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय जिले की, जहां एक मुकेश कुमार नामक छात्र होता है। वह छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहा होता है, कड़ी मेहनत करता है। इसी बीच उस छात्र को एक दोस्ती होती है सोनी कुमारी, एक छात्रा से। सोनी कुमारी के साथ उसकी दोस्ती होने के बाद दोनों की दोस्ती आगे बढ़ जाती है। मुकेश अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर ही रहा होता है, इसी बीच सोनी और मुकेश के रिश्ते प्यार में बदल जाते हैं, और वह रिश्ता इतना आगे बढ़ता है कि आने वाले दिनों में वो दोनों एक दूजे के होकर जीवन बसर करने का ठान लेते हैं। दोस्तों, जो घटना बता रहा हूँ मुकेश कुमार की, वह मुकेश कुमार बेगूसराय जिले के तेगरा प्रखंड का बरहारा गांव का निवासी होता है। उसके पिता का नाम कैलाश महतो होता है। वहीं जिस लड़की के बारे में बता रहा हूँ, उस लड़की का नाम सोनी कुमारी होता है और उसके पिता का नाम संतोष महतो होता है। सोनी कुमारी भी मुकेश कुमार के करीब के ही रहने वाली होती है। उसका घर कोई दूर नहीं होता है, बेगूसराय जिले के तेगरा प्रखंड के अंतर्गत ही उसका भी घर होता है। अब दोस्तों, मुकेश प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहा होता है, इसी बीच बिहार में वैकेंसी आती है बीपीएससी शिक्षक की। मुकेश बीपीएससी शिक्षक बहाली का फॉर्म भरता है और परीक्षा देने को ठान लेता है। इसी बीच मुकेश और सोनी का रिश्ता भी आगे बढ़ गया होता है। दोनों अब चाहते हैं कि क्यों नहीं एक दूजे का हो जाए। होता भी वही है कि अब दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं कि हम दोनों का रिश्ता आगे तक बढ़ चुका है, अब एक दूजे के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। दोनों के अभिभावक भी दोनों की बातों को सुनते हैं। मुकेश के पिता भी तैयार हो जाते हैं और सोनी के पिता संतोष महतो भी तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार आपसी रजामंदी के साथ ही भव्य तरीके से एक मंदिर में दोनों की शादी 13 मई 2022 को संपन्न हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से मुकेश और सोनी की जिंदगी बड़े ही प्यार भरे रूप में गुजर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते हैं, विशेष रूप से मुकेश अपनी अर्धांगनी सोनी का बहुत ख्याल रखते हैं। समय इस तरह से बीतता जाता है। बीपीएससी एग्जाम होता है। एग्जाम में मुकेश बैठता है और होते होते रिजल्ट आने की घड़ी आ जाती है। दोस्तों, इसी बीच सोनी का मन होता है कि शादी का बहुत दिन हो गया, क्यों नहीं एक बार मायके से घूमकर चले आए, माँ भी हमें याद करती होगी और सखी सहेलियां भी जरूर याद करती होगी। अब सोनी घर चली जाती है, मायके चली जाती है। इसी बीच मुकेश का बीपीएससी टीचर संबंधी परीक्षा का रिजल्ट आता है और उस परीक्षा में मुकेश सफल हो जाता है। दोस्तों, समय बीतता नहीं है, बीपीएससी का रिजल्ट आते ही काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते मुकेश को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाता है। मुकेश अब शिक्षक बन जाता है, बीपीएससी शिक्षक कहलाना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी बीच जब रिजल्ट आने के बाद मुकेश टीचर बन जाता है, तब सोनी की इच्छा होती है कि क्यों नहीं अभी तक हमारे पति देव अपने घर मुझे बुलाए हैं। सोनी मुकेश से कहती है कि इस खुशी के अवसर पर आखिर हमें आप अपने साथ क्यों नहीं रख रहे हैं। तो मुकेश कहता है कि वक्त आने पर हम दोनों रहेंगे, अभी कुछ व्यस्त ही व्यस्त चल रहा है। दोस्तों, समय बीतता जाता है। इसी बीच जब मुकेश सोनी को नहीं बुलाता है तो सोनी अपने आप ही स्वयं चलकर मुकेश के घर चली आती है। यहाँ आने के बाद शुरू हो जाती है मुकेश की दूसरी पत्नी की चस्का भरी कहानी। अब दोस्तों, यहाँ आने के बाद मुकेश का मन बिल्कुल ही बदल जाता है। उसके मन में यही अब सवाल उठता है कि हमें तो नौकरी लग गई है, हमें एक सुंदर सी स्वर्ग की तारों जैसी बहू चाहिए, अब मैं दूसरी शादी करूँगा। घर में रहने के बाद भी सोनी के साथ उसका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रह रहा होता है। दोनों के बीच
बराबर ही झगड़े झंझट हो रहे होते हैं, लेकिन सोनी चाहती है कि हमारे पतिदेव तो आखिर बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, तो यह खुशियों का पल होगा, हमारी जिंदगी बहुत ही सुखमय तरीके से गुजरेगी। थोड़ा अगर संघर्ष भी करना पड़े या फिर अपने पतिदेव से डांट भी सुनना पड़े तो उसे सुनकर सह लेंगे और प्यार भरी जिंदगी जी लेंगे। दोस्तों, समय बीतता जाता है लेकिन मुकेश का तेवर इस कदर बदल जाता है कि मुकेश अब सोनी को देखना भी पसंद नहीं करता है। देखते ही देखते मुकेश अब सोनी के हाथों बने खाना को भी खाना छोड़ देता है। यहाँ तक जब सोनी पानी लाती है मुकेश के लिए तो मुकेश वो पानी भी पीना छोड़ देता है। तंग आ जाती है सोनी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों, सोनी एक निर्णय लेती है और इस निर्णय पर पहुंचती है कि क्यों नहीं अब प्रशासन का सहारा लिया जाए। सोनी चली जाती है थाने पर। थाने पर पहुंचने के बाद मुकेश को इसकी भनक लगती है कि सोनी तो थाने पहुंच गई है। दौड़े दौड़े मुकेश अब थाने पहुंचता है और समझा बुझाकर सोनी को अपना घर वापस लाता है। समझाता है, बुझाता है और प्यार भरी बातें करता है कि थोड़ी मोड़ी गलती हो गई होगी, उसे माफ करो और प्यार भरी जिंदगी जियो। दोस्तों, प्यार भरी बातों के क्रम में ही मुकेश सोनी से कहता है कि सोनी, मुझे डर इस बात का है कि तुम बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति की हो ना हो किसी दिन तुम सुसाइड कर लो तो मैं बुरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। दोस्तों, सोनी ये बात समझ रही होती है कि हमें अपने पति मुकेश के साथ ही जिंदगी गुजारनी है तो आखिर सुसाइड क्यों करेंगे। वो बार बार अपने पति मुकेश को दिलासा दिलाती है कि हम सुसाइड कभी नहीं करेंगे, हमें आप ही के साथ रहना है। मुकेश को यकीन नहीं होता है या फिर उसके मन में कुछ और ही बात चल रही होती है। तब सोच समझकर मुकेश ये बातें कहता है कि सोनी, अगर तुम सुसाइड नहीं करोगी, तुम्हें अपने आप पर इतना विश्वास है तो एक सुसाइड नोट पर साइन कर दो। क्योंकि सोनी को अपने पति के साथ रहना होता है इसलिए वह सुसाइड नोट पर भी साइन कर देती है। दोस्तों, सुसाइड नोट पर साइन करने के बाद ही अब मुकेश कहता है कि सोनी, एक और बात मेरी मान लो। सोनी कहती है, आखिर क्या? तो तलाकनामा पर हस्ताक्षर कर दो। दोस्तों, जब सोनी के कानों में ये बातें जाती है तो सोनी के पैर से जमीन खिसक जाते हैं। अब सोनी सोचती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। सोनी प्यार भरे लहजों में ही कहती है कि मैंने तो सुसाइड नोट पर साइन कर ही दी है, जब मैं इस जिंदगी में रहूंगी ही नहीं तो तलाक की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी, इसलिए तलाकनामा पर हस्ताक्षर करने की कोई औचित्य ही नहीं बनता है। दोस्तों, फिर से सोनी के साथ मुकेश बहुत ही प्रताड़ना का रिश्ता निभाना शुरू करता है। तंग आ जाती है सोनी। उसके बाद इन तमाम बातों की जानकारी वो अपने ससुराल के आसपास वालों को भी देती है। जब आसपास वाले ये बातें सुनते हैं तो उनके पैर तले भी जमीन खिसक जाते हैं कि आखिर मुकेश ये सब क्या कर रहा है। दोस्तों, सोनी इन बातों को अपने पिता के कानों तक नहीं पहुंचाना चाहती है कि हमारे पिता, हमारे भैया, हमारे रिश्तेदार आखिर मुझे क्या कहेंगे, आखिर शादी तो मेरी ही मर्जी से हुई थी। फिर भी सोनी के ससुराल वाले के आसपास वाले लोग सोनी के पिता को इसकी सूचना देते हैं। वहां से सोनी के पिता सोनी के घर आते हैं, यानी सोनी के ससुराल आते हैं। यहां आने के बाद सारी बातों की जानकारी मिलती है। सोनी के पिता यहां पर पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में ढेर सारे गणमान्य लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं। मुकेश को समझाया जाता है कि परीक्षा में सफल होकर टीचर बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, जितनी बड़ी बात किसी रिश्ते को निभाना होता है। दोस्तों, पंचायतनामा में मुकेश सारी बातों को स्वीकार कर लेता है और इस बात की भी सहमति बन जाती है कि अब सोनी मुकेश के साथ ही ससुराल में रहेगी। पंचायतनामा पर भी दोनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षर हो जाता है। सारे लोग अब सोनी और मुकेश को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच सोनी के पिता भी अपने घर चले जाते हैं। एक दिन बीतता है, दो दिन बीतता है। अब सोनी के साथ प्रताड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि टीचर मुकेश के मन में पहले से ही ये बातें भर चुकी थी कि हमें तो अब नई पत्नी चाहिए क्योंकि नई नौकरी लगी है। दोस्तों, सोनी को वह प्रताड़ित करना शुरू करता है और इसके लिए वह सोनी को अब घर छोड़कर खेतों में भी काम करने के लिए भेजना शुरू कर देता है। क्योंकि सोनी अपने पति के साथ रहना चाहती है इसलिए वह खेतों में भी काम करना बड़ी खुशी पूर्वक स्वीकार करती है और खेतों में भी जाकर काम करती है। दोस्तों, इतना पर भी मुकेश नहीं मानता है, बार बार सोनी को टॉर्चर ही टॉर्चर करते रहता है।
इसी बीच एक बार फिर से सोनी द्वारा अपने ससुराल के अगल बगल वाले को ही इसकी सूचना दी जाती है। एक बार फिर से सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और फिर से सोनी के पिता को इसकी सूचना देते हैं। सूचना मिलने के बाद वहां से सोनी के पिता संतोष महतो आते हैं, साथ ही साथ एक पंचायत समिति सदस्य भी आते हैं। उन्होंने भी कहा है और सोनी के पिता का भी कहना है कि मुकेश जब टीचर नहीं बना था उससे पहले ही सोनी और मुकेश की शादी हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, मुकेश के टीचर बनने से पहले सोनी प्रेग्नेंट भी थी। और इतना ही नहीं, मुकेश ने सोनी का ऑपरेशन भी कराया था, यानी मुकेश का मन पहले से ही बन चुका था कि अब सोनी को अपने साथ नहीं रखना है और किसी और नई नवेली दुल्हन के साथ रिश्ता बनाना है। दोस्तों, एक बार फिर से सोनी के पिता संतोष महतो और पंचायत समिति सदस्य गांव के गणमान्य लोगों को मुकेश के घर बुलाते हैं। यहां आकर सारी बातों को एक बार फिर से उजागर किया जाता है, लेकिन मुकेश ये कहकर एक बार फिर से सोनी को अपने घर में दोबारा रखने से इनकार कर देता है कि सोनी जब यहाँ से गई थी तो ढेर सारे गहने लेकर गई थी और ढेर सारे रुपए पैसे भी लेकर भाग गई थी। यानी मुकेश आरोप लगाता है कि सोनी जब यहाँ से गई थी अपने मन से, उस समय ढेर सारे जेवर जेवरात लेकर भागी थी, इसलिए सोनी पर अब कोई मेरा भरोसा नहीं रह गया है। दोस्तों, यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर मुकेश को जब ये पता था कि सोनी जेवर और जेवरात लेकर भागी है तो पहले पंचायत में उसने इस बातों को क्यों नहीं रखी। इसका मतलब है मुकेश द्वारा यह सीधे रूप से आरोप लगाया जा रहा है। अब दोस्तों, बातें नहीं बनती है, गांव समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी दोनों को समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया जाता है। सोनी तो हमेशा ही तैयार है कि हमें अपने पतिदेव मुकेश के साथ ही रहना है, लेकिन किसी भी रूप में मुकेश सोनी के साथ रहने को तैयार नहीं है। पंचायत के लोगों की बात नहीं मानते हैं तो पंचायत के गणमान्य लोगों का विचार होता है कि जब मुकेश कोई बात मान ही नहीं रहा है तो दोनों स्वतंत्र है, कानूनी कार्रवाई करे और अपने रिश्ते को सुरक्षित करने के लिए चाहे किसी भी प्रकार का कदम उठाए। दोस्तों, ये बातें सुनकर अब सोनी और सोनी के पिता का साहस बिल्कुल ही टूट जाता है और वे लोग यही समझते हैं कि अब शायद हमारा सहारा मुकेश के साथ रिश्ते बनाने के रूप में कुछ नहीं रहा। सोनी के पिताजी उठते हैं और अपनी बेटी सोनी को हाथ पकड़कर अपना घर वापस चले जाते हैं। वहां से दोस्तों, सोनी अब दर दर की ठोकरें खा रही है, कभी शिक्षा विभाग जा रही है तो कभी SP कार्यालय जा रही है। बस यही कहती है कि चाहे कोई हो, अपनी भूमिका निभाकर हमारा रिश्ता मुकेश के साथ बरकरार करवा दे, उनकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। आखिर दोनों का रिश्ता बच पाता है या फिर नहीं बच पाता है? मुकेश की जहां इच्छा है कि हमें नई नौकरी के बाद नई पत्नी के साथ रिश्ता निभाना है, वही सोनी की इच्छा है कि हमें अपने पतिदेव मुकेश के साथ ही रहना है। ये रिश्ता कहां तक जाता है? आप सभी का इन बिंदुओं पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएंगे। और ये थे आज के BPSC शिक्षक की सत्य घटना और सत्य कहानी। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।